एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इज विद बॉबी। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ गुड वाइब्स का प्लस सीरम एंड गुड वाइब्स का फेशियल ऑयल में डिफरेंस क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे पूछते हैं। जैसे मैंने दोनों का सेपरेट रिव्यू किया हुआ है, बट प्लस सीरम पे ज्यादा ही कमेंट आता है कि इसे कैसे यूज करना है, सीरम क्या होता है या मतलब कैसा बेनिफिट देता है, क्या हम इसके बदले ऑयल यूज कर सकते हैं, ये सब। तो आज मैं उन सब के बारे में आपको बताऊंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गुड वाइब्स तो आप जानते ही हैं कि purple.com पे ही अवेलेबल है और बहुत ही अच्छा ब्रांड है, बहुत नेचुरल ब्रांड है। इसके जो भी प्रोडक्ट होते हैं वो सभी बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल में होते हैं। तो फेशियल ऑयल एंड सीरम दोनों अलग अलग होता है। तो सबसे पहले गुड वाइब्स का ये है सीरम, जो कि टी ट्री एंड मलबेरी वाला है और ये ऑयल कंट्रोल करता है और आपके स्किन को ग्लो देता है। तो सीरम जो है वो कोई भी यूज कर सकते हैं, कोई भी एज ग्रुप वाले। तो सीरम भी बहुत ही वेरायटी में आते हैं, लाइक एंटी एजिंग आता है, ग्लो करने के लिए आता है, कुछ भी। तो बट अगर आप टीनेजर हैं तो जरूरी नहीं होता है कि आप सीरम को यूज कीजिए, क्योंकि टीनेजर के फेस तो वैसे ही ग्लो करते रहते हैं। बट अगर आपकी एज जो है वो 18 एवव है तो आप सीरम यूज कर सकते हैं। तो ये जो सीरम है इसमें टी ट्री है, तो ये आपके पिंपल को हटाता है, मींस कम करता है एंड आपके फेस पे ग्लो देता है, तो वो सब दिया हुआ है। एंड ये ऑयल को कंट्रोल करता है, मींस अगर आपकी ऑयली स्किन है तो भी आप इसे यूज कर सकते हैं। इसमें भी आपको बहुत ज्यादा वेराइटी मिलता है। सीरम होता क्या है, सीरम आपके फेस पे डीपली पेनिट्रेट करता है। जब आप फेस को क्लीन कर लेते हैं फेस वॉश से, तो उस टाइम में आप सीरम यूज कर सकते हैं। स्किन में जो भी खराबी, मींस जो भी प्रॉब्लम हो रहे है उसे वो ठीक करता है। तो सीरम हम लोग इसलिए यूज करते हैं। बट ऑयल जो है, कोई भी ऑयल, आप फेस ऑयल, जैसे गुड वाइब्स का ये ऑयल है, ये मेरा है गोल्ड लिप्स वाला, इसमें आपको सिल्वर लिप्स वाले भी मिल जाते हैं। तो ऑयल को यूज करने से आपका जो ऊपर का लेयर है स्किन का वो मॉइस्चराइज होता है, हाइड्रेट होता है। अंतर दोनों में इतना ही है। तो अगर आपको स्किन को डीपली क्लियर करना है, क्लीन करना है, तो आप सीरम को यूज कर सकते हैं। और अगर आपकी स्किन ड्राई है, फ्लेकी टाइप है, तो आप ऑयल को यूज कर सकते हैं। एनीवे सीरम एंड ऑयल दोनों ऑल स्किन टाइप वाले यूज कर सकते हैं। ऑयल जो है इसमें आपको दिया हुआ है कि फाइट करता है ये साइंस ऑफ एजिंग, रिजुविनेट करता है स्किन को एंड नाइट टाइम मॉइस्चराइजर। ये आप नाइट में अच्छी तरह से आपके स्किन को मॉइस्चराइजर देता है। बट जब आप सीरम यूज करते हैं तो इसके ऊपर से आपको मॉइस्चराइजर लगाना जरूरी होता है, क्योंकि ये जो सीरम है गुड वाइब्स का प्लस सीरम, ये आपके स्किन को में पूरा इमिडिएट एब्जॉर्ब हो जाता है। उसके बाद आपको लगेगा ऐसा कि थोड़ा तो मॉइस्चराइज कर ही लेना चाहिए, क्योंकि ग्रीसी बिल्कुल भी नहीं लगेगा आपके फेस पे। बट अगर आप ऑयल लगाते हैं, ये ऑयल भी ग्रीसी नहीं लगता है, बट ऑयल के ऊपर आप चाहें तो मॉइस्चराइजर अवॉइड भी कर सकते हैं, नहीं भी लगा सकते, बट सीरम के ऊपर आपको मॉइस्चराइजर जरूरी है लगाना। इन दोनों का मैं टेक्सचर दिखाती हूँ, ये देखे, ये है सीरम। सीरम जो है ये वाला गुड वाइब्स वाला, ये बहुत ज्यादा आपको मतलब लिक्विडी टाइप में थिन है, ये देखिए बहुत जल्दी ही हट जाता है पूरा और बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है। सो ये देखिए ये एब्जॉर्ब हो चुका है। तो ये है ऑयल, ऑयल देख सकते हैं आप, ऑयल थोड़ा तो ऑयली टाइप से रहेगा ही, आई मीन ऊपर ही रहता है, अंदर तो इसको ज्यादा डीप जाना नहीं है। सो ये देखिए आपको ऊपर में अच्छी तरह से, ये भी ग्रीसी टाइप नहीं है बट ये आपको थोड़ा शाइनी लुक देगा। अब इन दोनों में से अंतर आप देख सकते हैं, ये सीरम वाला हैंड है, मीन्स इसमें आपको थोड़ा भी दिख नहीं रहा होगा कि आपने कुछ लगाया हुआ है, बट ये आप देख सकते हैं इसे आपको पता चलता है। सो इन दोनों में से यही डिफरेंस है कि आपके फेस पे ये थोड़ा ज्यादा ग्लोई लुक देता है, मींस सुपरफिशियली, बट ये आपको दिखेगा नहीं, ये इमीडिएट एब्जॉर्ब हो जाता है। अब सीरम जो होता है ये मैक्सिमम टाइम, ज्यादा इसमें वाटर कंटेंट ज्यादा रहता है और इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स रहते हैं बहुत ज्यादा, और सीरम को आपको बहुत ज्यादा मात्रा में अप्लाई नहीं करना होता है, बस 1 से 2 ड्रॉप आप लीजिए काफी है, सीरम ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए। ऑयल को आपके स्किन टाइप पे डिपेंड करता है, अगर आपके स्किन ज्यादा ड्राई टाइप में है तो आप 2 to 3 ड्रॉप यूज कर सकते हैं। और ऑयल में कंटेंट रहता है ज्यादातर एसेंशियल ऑयल रहते हैं, क्योंकि इसके जो मॉलिक्यूल होते हैं ना वो थोड़े लार्जर साइज में होते हैं रादर देन सीरम के मॉलिक्यूल से। सीरम छोटे छोटे होते हैं, सो ये आपकी स्किन में जल्दी चले जाते हैं, बट ये आपके स्किन पे ऊपर ही रहता है, ज्यादा नीचे नहीं जाता है ऑयल। सो सीरम आपका ज्यादा इफेक्टिव होता है अगर आप इसे रेगुलर बेसिस पे यूज करते हैं। और ऑयल इसलिए इफेक्टिव होता है क्योंकि आपके जो मॉइस्चर होते हैं ना उसे हटने नहीं देता है, क्योंकि ये सुपरफिशियली तो एक लेयर बना के रखता है। इसलिए ये दोनों आपकी स्किन रूटीन के लिए इम्पोर्टेंट है। सो आप कोई भी अवॉइड नहीं कर सकते हैं कि छोड़ो कुछ भी नहीं
लगाते हैं ऐसा नहीं कर सकते हैं, बट हाँ सीरम के जगह आप ऑयल भी यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास सीरम नहीं है तो आप ऑयल यूज कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका फेस डीपली मीन्स अंदर से अच्छी तरह से ग्लोइंग दिखे या फिर रिंकल फ्री दिखे तो आप सीरम यूज कर सकते हैं। ऑयल और सीरम अलग अलग है, सो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है आपको कि सीरम यूज करें या ऑयल, दोनों का काम अलग अलग है। सो आपको जो अच्छा लगे आप वो यूज कीजिए। अगर आपके पास ये दोनों हैं तो आप वीक में 3 डेज ये यूज कर लीजिए और ये यूज कीजिए, या फिर दोनों को एक साथ भी यूज कर सकते हैं। आई मीन की सीरम लगा लिया उसके ऊपर से मॉइस्चराइजर लगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो, आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड एंड फैमिली। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Thank you, bye-bye, take care.